नमस्कार, गुड इवनिंग कंपटीशन कम्युनिटी के कॉम्प्रिहेंसिव करंट अफेयर्स प्रोग्राम में मैं पुखराज करता हूं आप सभी का स्वागत। अब आप लोग जो है वो सोच रहे होंगे कि ये कॉम्प्रिहेंसिव करंट अफेयर्स जो है कौन सी नई बला का नाम है। तो मैं आप लोग को बता दूं कि CGPSC के लास्ट पेपर्स को अगर आप देखेंगे, खासकर जिनमें से मैं लेता हूँ CGPSC प्री, तो उसमें आप देखेंगे कि करंट अफेयर्स के बहुत सारे क्वेश्चन को एक विशिष्ट तरीके से, एक सिग्निफिकेंट तरीके से पूछ रहा था। कैसे पूछ रहा था? तो किसी ना किसी सब्जेक्ट के साथ जोड़कर, मतलब सब्जेक्टिव नॉलेज के साथ करंट अफेयर्स के क्वेश्चन भी आने लगे हैं। तो हमें बेसिकली ये लगा कि समय आ चुका है जब करंट अफेयर्स की पढ़ाई जो है उसको एक नए डायमेंशन पर हमें करना चाहिए, और इसीलिए करंट अफेयर्स को कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से हम पढ़ेंगे, मतलब अपने सब्जेक्ट के साथ जोड़ के, मतलब सब्जेक्टिव तरीके से करंट अफेयर्स को हम करेंगे कवर। इससे दो चीज़ें होंगी, एक तो करंट अफेयर्स तैयार हो जाएगा और सब्जेक्ट के बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं उनका रिविजन भी साथ में आप लोगों के हो जाने वाला है। क्लियर? तो इसी क्रम में मैं पुखराजगिरी लेकर आया हूँ अपना पहला वीडियो। आप सभी जानते हैं कि मैं CGGS पढ़ाता हूँ और इसीलिए CG का जो करंट अफेयर्स है उसको कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से अपने सब्जेक्ट से जोड़ते हुए मैं करूँगा आप सभी के सामने प्रस्तुत। और इसी क्रम में मेरा पहला वीडियो है जिसमें मैंने 1 से लेकर 17 फरवरी 2022 तक की जो बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, जो कि हमारे CGPSC प्री और मेंस दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकती है, उसको मैंने किया है अपने इस वीडियो में इंक्लूड। क्लियर? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक छोटा सा इंफॉर्मेशन दे दूँ आपको, कंपटीशन कम्युनिटी के साथ जुड़े रहने के लिए आप क्या कर सकते हैं, तो हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये हमारा QR कोड है, इस QR कोड को जब आप स्कैन करेंगे तो कंपटीशन कम्युनिटी का एक नवीन एप्लीकेशन है, न्यू एप्लीकेशन है, उसको डाउनलोड कर सकते हैं और आगे के कोर्सेज के लिए, आगे के इन्फॉर्मेशन के लिए हमसे जुड़े रह सकते हैं हमेशा। क्लियर? तो आई होप आप समझ गए, QR को स्कैन कर लेना और किसको डाउनलोड कर लेना, तो हमारे एप्लीकेशन को। ठीक है, तो शुरू कर लेते हैं आज का सेशन। तो आज के सेशन में सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है ना, वो है मंत्री परिषद की जो बैठक हुई थी 1 फरवरी 2022। क्लियर? अब परिषद और मंडल में झगड़ा मत कर लेना। इंग्लिश में DPR को देखोगे, वेबसाइट को DPRCG, तो उसमें कैबिनेट लिख लिया है। हालांकि मंत्री परिषद और कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर्स जो है उसमें थोड़ा सा अंतर होता है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये बहुत बड़ा कोई इशू होगा आप लोग को। ठीक है, तो जैसा है वैसा ही पढ़ते हैं। तो मंत्री परिषद की बैठक हुई 1 तारीख को, जिसमें कि कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ों पर डिस्कशन हुआ और कुछ बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ों जो हैं उस पर फैसला भी लिया गया। तो सबसे पहले जो फैसला था बहुत इंपॉर्टेंट जो था हमारे प्री पॉइंट ऑफ व्यू से कहना चाहिए, वो ये था कि छत्तीसगढ़ में CSIDC, छत्तीसगढ़ स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, और हमारा जो उद्योग विभाग है उसके द्वारा मेंटेन्ड संधारित जो औद्योगिक क्षेत्र, इंडस्ट्रियल एरियाज हैं, उनमें 10% प्लॉट जो हैं वो आरक्षित किए जाएंगे किसके लिए? OBC वर्ग के लिए। क्लियर है ये? तो ये पहला इंपॉर्टेंट एक फैक्ट हो गया, आपको सीधा उठा के पूछ सकता है कि कितने परसेंट प्लॉट्स जो हैं उसको आरक्षित किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन पूछ सकता है कि किस वर्ग के लिए किया जा रहा है। ठीक, अब नेक्स्ट पे आइए। तो लिखा हुआ है क्यों किया जा रहा है। तो सबसे पहले ये जो वर्ग है OBC, उसमें उद्यमिता मतलब एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देने के लिए ऐसा किया जा रहा है। तो ये पहले प्रश्न का जवाब मिल गया, क्यों किया जा रहा है। अगला है कैसे किया जा रहा है। तो हमारी जो औद्योगिक नीति है 2019 से 2024, उसी में संशोधन किया जा रहा है, मतलब उसी में अमेंडमेंट किया जा रहा है और उसी के आधार पर इस आरक्षण को किया जाएगा लागू। क्लियर? तो आई होप आप यहां से 3 फैक्ट समझ गए। पहला फैक्ट क्या था, किनको मिल रहा है? तो OBC को 10% क्यों मिल रहा है? तो उद्यमिता या एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देने के लिए। कैसे मिल रहा है? तो औद्योगिक नीति या इंडस्ट्रियल पॉलिसी जो है 2019-24 वाली, उसमें संशोधन किया जा रहा है, अमेंडमेंट किया जा रहा है, ताकि इसको लागू किया जा सके। ठीक है, अब इसके अलावा सब्जेक्टिव या हमारे सब्जेक्ट पॉइंट ऑफ व्यू से कौन कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। तो सबसे पहले है CSIDC, छत्तीसगढ़ स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। तो PSC के बहुत सारे डिपार्टमेंटल एग्जाम और इवन प्री में भी कई बार आपने देखा होगा गठन का वर्ष पूछता है। तो ध्यान रखना, CSIDC का गठन कब हुआ है? तो ईयर 2001, वर्ष 2001 में गठन हुआ है। क्लियर है? अगला जो बहुत इंपॉर्टेंट एक
सेक्शन है जिसमें से पीएससी बार बार क्वेश्चन उठा के पूछने लगता है, वो है इंडस्ट्रियल पॉलिसी या औद्योगिक नीति। तो सबसे पहला क्वेश्चन बनता है कि छत्तीसगढ़ में नवीनतम इंडस्ट्रियल पॉलिसी कौन सी है। तो ध्यान रखना, 2019 से 2024 वाली जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी है ये है नवीनतम, जो कि 1 नवंबर 2019 से लेके 31 अक्टूबर 2024 तक लागू रहेगी। क्लियर है ये? तो ये क्वेश्चन अभी आया भी था, ठीक है, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है किसी व्यापम के पेपर में पूछा था कि नवीनतम औद्योगिक नीति या इंडस्ट्रियल पॉलिसी कौन सी है। तो 2019-24 आपको याद रखना है, जो कि 1 नवंबर 2019 से 31 अक्टूबर 2024 तक लागू रहेगी। सॉरी, थोड़ा सा खांसी हो गया है, इसलिए बोलते बोलते बहुत खांसी आता है, ठीक है, थोड़ा सा माफ़ करिएगा और थोड़ा सा बियर अप करिएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अच्छा, एक थोड़ा सा इसको जब कठिन करता है ना, तो एक क्वेश्चन ये पूछता है कि ये जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी है इसके अंतर्गत औद्योगिक पुरस्कार योजना या इंडस्ट्रियल अवार्ड स्कीम ये कितने क्षेत्रों में दिया जाता है। तो बेसिकली आपको ध्यान रखना है ये 5 क्षेत्र में दिया जाता है। कितने? 5। कुछ लोगों को 4 याद आ रहा होगा, तो मैं आपको बता दूं, 2014 से 19 वाला जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी था इसमें इसे 4 क्षेत्रों में दिया जाता था, इंडस्ट्रियल अवार्ड स्कीम को या औद्योगिक पुरस्कार योजना। क्लियर है? अच्छा, अब एक क्वेश्चन मन में ये भी आना चाहिए कि पहले 4 में दिया जाता था, अब 5 में दिया जाता है, तो 5वां कौन सा नया ऐड हुआ है। तो कौन सा ऐड हुआ है मैं आप लोगों को बता देता हूं। बेसिकली जो ऐड हुआ है वो है स्टार्टअप यूनिट। अब स्टार्टअप यूनिट को भी इंक्लूड कर दिया गया है, 5 क्षेत्रों में दिया जाता है, ठीक है। चलिए, तो ये एक इंपॉर्टेंट न्यूज हुआ, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले हमारे कुछ कोर्सेज हैं, उसका इंफॉर्मेशन आप लोग को दे दूं मैं। तो आप सभी को पता है मेंस 2021 जो है, जो कि मई के महीने में होने वाला है 26 तारीख से इसी वर्ष, मतलब 2022 में, इसमें अब लगभग 30 दिन से कम समय बाकी है। 30 दिन कह रहा हूँ, गलत कह रहा हूँ यार, 90 दिन से कम समय बाकी है, मतलब 3 महीने से भी कम समय बाकी। तो इन 3 महीनों में कैसे आपको बेहतर से बेहतर तैयारी करनी है ताकि आप मैक्सिमम मार्क्स ला सकें, ये बताएंगी हमारी एक्सपर्ट फैकल्टीज हमारे CGPSC मेंस कॉम्प्रिहेंसिव क्रैश कोर्स प्रोग्राम में। ये जो प्रोग्राम है ये ऑनलाइन भी अवेलेबल है, ऑफलाइन भी, ऑफलाइन सिर्फ और सिर्फ हमारे रायपुर सेंटर में अवेलेबल है। क्लियर है? तो इसके फीचर्स को और अच्छे से समझने के लिए, जानने के लिए, इस वीडियो का जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है ना उसमें नंबर दिया रहेगा, उस पर आप कॉल कर सकते हैं, चाहे तो रायपुर सेंटर पर आकर भी इसका इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि मेंस का टेस्ट सीरीज जो है ये भी 27 फरवरी 2022 से स्टार्ट हो चुका है। क्लियर है? इसमें कितने टेस्ट होने वाले हैं? तो इसमें बेसिकली 21 टेस्ट होने वाले हैं, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में टेस्ट होंगे। ऑफलाइन के लिए 3 सेंटर्स हैं, एक दुर्ग है, फिर क्या है तो है रायपुर, और तीसरा क्या है तो है बिलासपुर। ये जो टेस्ट है इसको आप हिंदी में लिख सकते हैं, इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, और 10 दिनों के भीतर आपकी जो आंसर शीट है उसको जांच करके आपको दे दिया जाएगा। अगर ऑनलाइन करेंगे तो वापस अपलोड कर दिया जाएगा, ऑफलाइन तो हमारे सेंटर पर आकर इसे कलेक्ट कर सकेंगे। क्लियर? तो ये हमारे तीनों सेंटर्स जो हैं उसके नंबर दिए हुए हैं। तो टेस्ट सीरीज के इंफॉर्मेशन के लिए आप इन तीनों सेंटर्स पर कॉल कर सकते हैं, जहां भी आपको ज्वाइन करना है। रायपुर के लिए रायपुर है, बिलासपुर के लिए बिलासपुर का नंबर है, दुर्ग के लिए दुर्ग का नंबर है, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं। चलिए, अभी भी मंत्री परिषद की बैठक की ही बात हो रही है, अब मैं आपको आगे बताता हूँ, ठीक। अब क्या हुआ? और तो हमारा जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी है 2019-24 उसके अंतर्गत जूट बैग निर्माण प्रोजेक्ट, जूट बैग मैन्युफैक्चरिंग प्रोजेक्ट, इसके लिए भी एक स्पेशल इन्वेस्टमेंट इंसेंटिव पैकेज दिया जा रहा है, एक विशेष निवेश प्रोत्साहन पैकेज। प्रश्न ये है कि क्यों दिया जा रहा है? तो ये इसलिए दिया जा रहा है क्योंकि आपको पता है कि हमारी सरकार क्या करती है, तो धान खरीदी, पैडी प्रोक्योरमेंट, और इसको करने के लिए क्या चाहिए होता है, तो बहुत सारे जूट के बैग्स।
तो इसी को प्रमोट करने के लिए एक विशेष निवेश प्रोत्साहन पैकेज देने का भी निर्णय लिया गया है। किसके? तो औद्योगिक नीति 2019-24 के अंतर्गत। क्लियर? ठीक, तो ये भी एक सीधा एमसीक्यू बन सकता है, पूछेगा कि औद्योगिक नीति 2019-24 के अंतर्गत निम्न में से किस प्रोजेक्ट के लिए विशेष निवेश प्रोत्साहन पैकेज देने का निर्णय लिया गया है। ठीक है, चलिए, अगर कृषि से संबंधित किसी प्रकार का कोई ऐसे आता है तो भी इस फैक्ट को आप यूज कर सकेंगे। अच्छा, ये जो पिछला फैक्ट था इसको अगर इंडस्ट्रीज या औद्योगिकरण से संबंधित, इंडस्ट्रियलाइजेशन से संबंधित कोई ऐसे आता है तो उसमें आप यूज कर सकेंगे। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। ठीक, अगला है, छत्तीसगढ़ में कोदो कुटकी, कोदो मिलेट और रागी, फिंगर मिलेट, इसको न्यूनतम समर्थन मूल्य पे, मतलब MSP पे खरीदने के लिए सरकार ने अनुमोदन दे दिया है, परमिशन दे दिया कह लो अपने तरफ से। ठीक है, किसके माध्यम से खरीदा जाएगा? तो प्राथमिक वनोपज सहकारी समिति, प्राइमरी फॉरेस्ट प्रोड्यूस कोऑपरेटिव सोसाइटीज के माध्यम से इसकी खरीदी जो है वह किया जाना है। ये सीधा एक एमसीक्यू बन सकता है, पूछता है आपको सबसे पहले किसकी किसकी खरीदी, उसके बाद पूछेगा कि किसके माध्यम से खरीदी। ठीक, अच्छा, मंत्रिपरिषद वाला जो टॉपिक है इसमें फाइनल जो है वो क्या है? तो फाइनल है राजीव युवा मितान क्लब योजना। अब ये योजना क्या है तो मैं आपको बता दूं, हमारे यहाँ पर जो युवा शक्ति है, जो यूथ है, इसको बेसिकली संगठित करने के लिए, इसके अलावा हमारे जो प्रदेश में सामाजिक, सांस्कृतिक और खेल गतिविधियां हैं, इसके अलावा बहुत सारी योजनाएं हैं, इन सभी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने के लिए राजीव युवा मितान क्लब योजना जो है उसको खोलने का निर्णय लिया गया। कब खुलेगा तो दो स्लाइड्स के बाद हम देख लेंगे, इसके बारे में एक न्यूज़ जो है हमको और आगे पढ़ना है। क्लियर है? तो ये ना आपको पेपर 5 का जो पार्ट 1 है, छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था, वहाँ पे 30 वर्ड्स में आपको सीधा सीधा पूछ सकता है राजीव युवा मितान क्लब। तो बताइएगा कि युवा मितान क्लब जो है उसके माध्यम से क्या किया जाएगा? तो युवा शक्ति को संगठित करके जो प्रदेश की सामाजिक, सांस्कृतिक, खेल गतिविधि और योजनाएं हैं उनको जन जन तक पहुंचाने का प्रयास किया जाएगा। क्लियर? तो यहाँ से 30 वर्ड्स का एक क्वेश्चन बन सकता है। ठीक, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। ग्रामोद्योग मंत्री कौन है भाई हमारे यहाँ पर? तो मैं आपको बता दूँ, छत्तीसगढ़ में PHE पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी एवं ग्रामोद्योग मंत्री हैं गुरु रुद्र कुमार जी। तो इन्होंने क्या किया है? तो हस्तकरघा प्रशिक्षण केंद्र, हस्तकरघा मतलब हैंड लूम, प्रशिक्षण केंद्र मतलब ट्रेनिंग सेंटर, इसका शुभारंभ किया। तो बेसिकली दुर्ग जिले के धमधा विकासखंड में एक ग्राम है, नाम है क्या, कोड़िया, यहाँ पर इन्होंने हस्तकरघा प्रशिक्षण केंद्र जो है इसका शुभारंभ किया है। ठीक है, अब इस केंद्र में होगा क्या तो मैं बताऊँ आपको, बेसिकली हर एक ट्रेनिंग सेशन मतलब प्रशिक्षण सत्र में 20 लोगों को ट्रेनिंग दिया जाएगा। ठीक है भाई, अब क्या होगा आगे? तो ट्रेनिंग का टाइम कितना होगा? तो 4 माह, और इसमें जितने भी ट्रेनी होंगे इनको 500 रुपये की मासिक छात्रवृत्ति मतलब मंथली स्टाइपेंड दिया जाएगा, और उन्हें 15,000 रुपये का करघा जो है वह भी निशुल्क प्रदान किया जाएगा। एक प्रश्न आता है, ऐसा क्यों किया जाएगा? तो बेसिकली हमारे यहाँ पर जो बुनकर हैं उनकी आर्थिक स्थिति में क्या होगा? ऐसा करने से सुधार आएगा। क्लियर है ये? तो यहाँ से एक क्वेश्चन बन सकता है MCQ में, कहाँ इन्होंने शुभारंभ किया है। दूसरा, इसको आप ऐसे में भी यूज कर सकते हो। इससे संबंधित अगर कोई क्वेश्चन पेपर 5 के पार्ट 1 में आता है तो भी आप इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे और भी है। साथ ही कुम्हार, पॉटर्स,
तो इनके लिए क्या किया है, इन्होंने 80 इलेक्ट्रिक चाक का वितरण किया, जिससे अब कुम्हार क्या कर पाएंगे, तो देखो बुनकर लोग तो क्या कर पाएंगे, बुनाई का काम कर पाएंगे, जो कुम्हार या पॉटर्स हैं इनको इलेक्ट्रिक चाक मिल जाएगा। तो ये बेसिकली मिट्टी की बहुत सारी कलात्मक और सजावटी जो वस्तुएं हैं, सामग्री हैं, उनका निर्माण ये लोग कर पाएंगे। इससे क्या होगा, ना सिर्फ छत्तीसगढ़ का जो ग्रामीण संस्कृति है उसको बढ़ावा मिलेगा, तो हमारा जो रूरल कल्चर है उसको बढ़ावा मिलेगा, फिर आर्थिक रूप से समृद्धि आएगी, तो कुम्हारों में बुनकरों में आर्थिक रूप से समृद्धि आएगी, अभी जस्ट कुछ देर पहले मैंने आपको बताया था। साथ ही मिट्टी के बर्तन को अगर इस्तेमाल हम करें तो लोगों में पर्यावरण के प्रति भी जागरूकता देखने को मिलेगी। क्लियर है ये? तो ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, एक तो एनसीक्यू के रूप में पूछ सकता है कि कहाँ चालू किया गया है, दूसरा ऐसे में आ सकता है यूज़ ये, और उसके बाद पेपर 5 में इसका यूटिलाइजेशन आप कर सकते हैं। क्लियर है? चलिए अगले टॉपिक पर आते हैं। 5 कार्य दिवस की अधिसूचना जारी है, ये मैं आपको बताऊँ एमसीक्यू के हिसाब से ना बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है, वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट है। इवन आप चाहो ना तो 30 वर्ड्स में इसमें से क्वेश्चन भी रेडी कर सकते हो। पेपर नंबर 5 के पार्ट 1 छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था जो है ना उसमें आ सकता है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि अधिसूचना कब जारी हुई है, तो 2 फरवरी, और अधिसूचना में ये साफ लिखा था जारी होने के दिन से ये आदेश लागू हो जाता है, तो 2 फरवरी से ये लागू भी हो गया। उसके बाद अगला प्रश्न आता है कि किसने जारी की, तो सामान्य प्रशासन विभाग, ठीक है, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट जो है उसने जारी की। अच्छा, अब एक प्रश्न आता है कि क्यों किया ऐसा, तो जो शासकीय कर्मचारी है गवर्नमेंट एम्प्लॉइज, उनकी कार्य क्षमता मतलब वर्क एफिशिएंसी, ईटा या एफिशिएंसी के लिए लिखते ना, ये बढ़ जाएगी, और साथ में क्या बढ़ जाएगी, इनकी उत्पादकता या प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी। अब 5 कार्य दिवस करने के लिए संडे को तो पहले छुट्टी होता ही था, और गवर्नमेंट ऑफिसेज में 2nd और 3rd सैटरडे को छुट्टी हुआ करता था, अब 2nd 3rd को छोड़ के मतलब सभी सैटरडे को छुट्टी होगी, मतलब 5 कार्य दिवस में मंडे से लेके फ्राइडे ये कार्य दिवस होंगे। क्लियर है? सैटरडे संडे सभी सैटरडे छुट्टी, और सभी संडे क्या लिख दिया हूँ मैं, सैटरडे लिख रहा था मैं, सैटरडे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या है, तो सांसद राहुल गांधी की उपस्थिति में क्या हुआ, तो छत्तीसगढ़ के भूमिहीन श्रमिक लोगों ने क्या किया है, तो गांधी सेवाग्राम और छत्तीसगढ़ अमर जवान ज्योति की आधारशिला रखी है। सेवाग्राम के बारे में आप जानते ही हैं, 1936 में महाराष्ट्र के वर्धा के नज़दीक शेगांव, बाद में जिसका नाम सेवाग्राम पड़ा, वहाँ पर गांधी जी ने आश्रम बनाया था, और भारत का आधुनिक इतिहास पढ़ेंगे तो ये जो आश्रम है इसका कॉन्ट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा था, बहुत बड़े बड़े जो मूवमेंट्स थे उनकी प्लानिंग गांधी जी ने यहीं पर बैठ कर की थी। ठीक है, तो सेवाग्राम में न सिर्फ गांधी बल्कि गांधीवाद को भी जाकर समझा जा सकता है, देखा जा सकता है, महसूस किया जा सकता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आप सभी को पता है कि राहुल गांधी जी 3 फरवरी 2022 को ये आए हुए थे कहाँ, रायपुर। इनके साथ हमारे सीएम भूपेश बघेल जी भी थे, और इन्होंने मतलब इन दोनों की उपस्थिति में रायपुर का जो साइंस कॉलेज ग्राउंड है वहाँ पर हमारे यहाँ के कुछ भूमिहीन श्रमिक, कौन कौन, तो राम कुमार निषाद दुर्ग के, खूजी मौर्य कहाँ के, बस्तर के, सोना नेताम कहाँ के, बड़ौदा बाजार भाटापारा, और मसीयस तिर्की कहाँ के, तो बलरामपुर रामानुजगंज के, इन लोगों ने क्या किया, तो नवा रायपुर में सेवाग्राम और शहीदों की याद में छत्तीसगढ़ अमर जवान ज्योति की क्या रखी है, आधारशिला रखी। ठीक है, अब छत्तीसगढ़ अमर जवान ज्योति इसका निर्माण कहाँ किया जा रहा है, तो छत्तीसगढ़ का सशस्त्र बल का जो 4th बटालियन है, छत्तीसगढ़ आर्म फोर्सेस का 4th बटालियन कहाँ पर है, तो माना रायपुर में, वहाँ पर किया जा रहा है इसका निर्माण, किया जा रहा है क्या, किया जाएगा मुझे कहना चाहिए। क्लियर है?
चलिए मैं इस न्यूज़ को कंप्लीट करता हूँ, उसके बाद एक साथ बताता हूँ कि क्वेश्चंस कैसे कैसे बन सकते हैं, ठीक। इसके अलावा इन्होंने राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना की शुभारंभ की और राजीव युवा मितान क्लब योजना, इसके बारे में ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ कि 30 वर्ड्स में क्वेश्चन बन सकता है कि इसका उद्देश्य क्या था करके, ठीक। इसके अलावा छत्तीसगढ़ सरकार के जो 3 साल हुए हैं उसकी उपलब्धियों पर एक कॉफ़ी टेबल बुक प्रकाशित हुई। कॉफ़ी टेबल बुक समझते हैं, तो आप क्या कैफेज में जाते हैं तो देखते हैं एक बड़ा ऐसा लंबा सा बुक रहता है, बहुत महंगा दिखने में ही लगता है, ये बहुत सारे फ़ोटो रहते हैं और इसमें अनेक प्रकार की चीज़ें जो है वो बताई गई होती हैं, इसी को कॉफ़ी टेबल बुक कहा जाता है, जिसका नाम क्या है, जो कहा सो किया, उसका विमोचन किया किन्होंने, तो राहुल गांधी जी, ठीक है। अब क्वेश्चंस पर आते हैं। सबसे पहले पहला क्वेश्चन क्या है, तो इन लोगों का नाम आपको ध्यान रखना है कि कौन कौन ऐसे लोग थे जिन्होंने राहुल गांधी जी और भूपेश बघेल जी के साथ क्या किया है, तो सेवाग्राम और छत्तीसगढ़ अमर जवान ज्योति की आधारशिला रखी है। तो ये एक एमसीक्यू बन गया नाम। अगला एमसीक्यू क्या रहेगा, तो पूछ सकता है कि सेवाग्राम ये कहाँ पे बन रहा है, तो आपको याद रखना नवा रायपुर। अगला पूछ सकता है छत्तीसगढ़ अमर जवान ज्योति इसका निर्माण जो है वो कहाँ पे किया जाएगा, तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये एक फैक्ट हो गया, ठीक। अच्छा, कॉफ़ी टेबल बुक का नाम आपको ध्यान रखना है, ये एक एमसीक्यू सेपरेटली पूछ सकता है, ठीक है। राजीव युवा मितान क्लब योजना के बारे में ऑलरेडी बता चुका हूँ, 30 वर्ड्स में इसको तैयार कर लेना। उसके बाद है राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना, ये बहुत इम्पॉर्टेंट योजना है। आपको पता होगा जब छत्तीसगढ़ में नरवा गरवा घुरुआ बारी ये योजना स्टार्ट हुई थी, तो उसी साल मेंस में 2 अलग अलग पेपर्स में इस योजना को पूछ लिया गया था। तो मैं आप लोग को बता दूँ, उसी प्रकार ये जो योजना है ना, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट हो सकती है, ठीक। तो थोड़ा सा इसका मैं बैकग्राउंड बताता हूँ और समझाता भी हूँ आपको। तो जब छत्तीसगढ़ में आप सेंसस 2011 के अनुसार व्यवसायिक संरचना ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर देखेंगे, तो आपको ये पता चलेगा हमारे यहाँ पे कुल श्रमिक या टोटल वर्कर्स कितने हैं, तो 12,180,225। इसमें से लगभग 41.8% क्या है, तो कृषि श्रमिक या एग्रीकल्चर लेबर्स। अच्छा, अब कृषि श्रमिक अधिक होने मतलब लगभग आप संख्या देखोगे ना तो कितना आ जाएगा, तो 12,180,225 का 41.8% मतलब मोटा मोटा 50,91,000 के आसपास कुछ वैल्यू आना चाहिए, ठीक है। एक बार आप लोग मैथ लगा के देख भी सकते हैं, तो इतनी अधिक संख्या में हमारे यहाँ पर कृषि श्रमिक है। अब कृषि श्रमिकों की संख्या का अधिक होना ये हमारे लिए उतना अच्छा नहीं है, क्यों अच्छा नहीं है तो समझते जाना। बेसिकली होता क्या है, पूरे छत्तीसगढ़ को अगर आप देखें तो हमारे यहाँ पर ये कृषि प्रधान राज्य है, और कृषि में भी अगर आप देखोगे तो क्या है, हमारे यहाँ पर सर्वाधिक कृषि होती है कब, तो खरीफ सीजन में। क्यों, हमारे यहाँ पर जो इरिगेशन फैसिलिटीज़ हैं वो कम है, जिसके कारण रबी की फसल का उत्पादन हमारे यहाँ पर कम होता है, खेती भी कम होती है। अब आप समझिए, हमारे यहाँ पर सिर्फ खरीफ में मतलब खरीफ के 4 महीने में ही ये जो कृषि श्रमिक है इनका काम होगा, बाकी वर्ष के 8 महीने में आप देखोगे तो इनको प्रॉपर काम नहीं मिलने वाला, जिसके कारण इनकी आर्थिक स्थिति जो है वो कोई बहुत अच्छी नहीं होती। इसीलिए सरकार ने इस योजना के अंतर्गत भूमिहीन कृषि श्रमिक परिवार, याद रखना परिवार हैं, उनको 6,000 रुपये प्रतिवर्ष की सहायता राशि देने की घोषणा की है। ऐसे 3.55 लाख कृषि श्रमिक परिवार हैं, ठीक है, जो कि अभी इस योजना में क्या है, शामिल है, ठीक। तो 6,000 रुपये की वार्षिक सहायता राशि इनको मिलेगा, ताकि क्या हो, इनकी जो आर्थिक स्थिति है उसमें सुधार, ठीक है। तो ये अपने आप में 30 वर्ड्स का एक क्वेश्चन हो सकता है, पूछ सकता है आपको, पेपर नंबर 5 में भाग 1 में पूछ सकता है। इसके अलावा सेपरेटली यही जो योजना है इसी पर आपको 60 वर्ड्स में या हो सकता है कि 175 शब्द में लिखने के लिए भी आ सकता है इसी पेपर में, साथ ही इसको आप एसे में भी या निबंध में भी यूटिलाइज कर पाएंगे,
इसके अलावा ये जो दो योजना है, राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना और राजीव युवा मितान क्लब योजना, ये पूछ सकता है कि ये शुरुआत जो है ये कब हुई है, तो डेट पूछ सकता है। साथ में क्या पूछ सकता है, शुरुआत जो है वो किसने की, कौन लिखा हो मतलब किसने की, याद रखना, क्लियर। तो इतने सारे क्वेश्चंस जो हैं वो यहां से बन सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट आ जाते हैं। छत्तीसगढ़ में वन नेशन वन राशन कार्ड योजना ONORC योजना जो है यह लागू हो गई है और छत्तीसगढ़ देश का ऐसा 35वां राज्य या केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। छत्तीसगढ़ केंद्र शासित प्रदेश नहीं है लेकिन रैंकिंग दोनों को मिला के है इसलिए ऐसा लिखा है, ठीक है। अब आप लोग समझिए ये वन नेशन वन राशन कार्ड क्या है। तो बेसिकली क्या है, अभी तक आप जानते हैं कि अगर आपको सब्सिडी वाली कीमतों पर राशन खरीदना है तो उचित मूल्य की दुकान पर जाना पड़ता था, जहाँ का राशन कार्ड है आपका वहीं के उचित मूल्य की दुकान से आप राशन की खरीदी कर पाते थे, ऐसा ही था। लेकिन वर्ष 2019 में पहली बार इस योजना के बारे में सोचा गया कि ऐसी कोई योजना हो जिसमें कि एक राशन कार्ड से आप पूरे भारत के किसी भी उचित मूल्य की दुकान पर जाकर सब्सिडी वाले कीमतों पर खाद्यान्न या राशन को खरीद सकें, और यही योजना कहलाती है वन नेशन वन राशन कार्ड। इसके अंतर्गत क्या किया जाता है, पोर्टेबिलिटी। पोर्टेबिलिटी का मतलब वही होता है कि एक राज्य के राशन कार्ड को आप दूसरे राज्य के किसी भी उचित मूल्य की दुकान पर क्या कर सकें, यूटिलाइज कर सकें, ठीक है। तो इसी क्रम में हमारा जो खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग है भारत सरकार का, फूड और पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट, उसने क्या किया है, पोर्टेबिलिटी वाले जितने भी राज्य हैं उनमें छत्तीसगढ़ को शामिल करने की अनुमति दे दी है और इसी क्रम में छत्तीसगढ़ 35वां राज्य या केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। फिर से छत्तीसगढ़ केंद्र शासित प्रदेश नहीं है लेकिन रैंकिंग दोनों को मिला के है इसलिए ऐसा कह रहा हूँ। इसके अलावा और बता दूँ आपको, बेसिकली डिपार्टमेंट ने क्या किया था, ये जो ONORC योजना है ये किस प्रकार से राज्यों में क्रियान्वित हो रही है इसके ऊपर क्या किया था, एक रिपोर्ट तैयार की थी, उसको देखा था कह सकते हैं, और साथ ही छत्तीसगढ़ में बहुत सारे पोर्टेबिलिटी ट्रांजैक्शंस की टेस्टिंग भी करके देखी थी। तो फाइनली जब टेस्टिंग सक्सेसफुल हो गई तो छत्तीसगढ़ में 2 फरवरी 2022 से ONORC को क्या कर दिया, लागू कर दिया, ठीक है। अच्छा अब इसमें होता क्या है, तो जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 है, इसके जो राशन कार्ड हैं वो राष्ट्रव्यापी पोर्टेबिलिटी हो सकेंगे। मतलब छत्तीसगढ़ का अगर कोई प्रवासी वर्कर है वो जाकर अगर हरियाणा से लेना चाहे और हरियाणा इस लिस्ट में हो पोर्टेबिलिटी वाले, तो हरियाणा के किसी भी उचित मूल्य की दुकान से सब्सिडाइज्ड कीमतों पर खाद्यान्न ले सकेगा। एक और बात आपको बताना चाहता हूँ, जैसे कि नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट है वैसे ही है छत्तीसगढ़ का फूड सिक्योरिटी एक्ट, ये भारत से पहले वर्ष 2012 में ही लागू हो गया था। तो भारत में ध्यान रखना 2013 में है, छत्तीसगढ़ में 2012 में हो गया है। यहाँ से एक और फैक्ट है, आपको पूछ सकता है छत्तीसगढ़ में उचित मूल्य की दुकानों की संख्या कितनी है, तो बहुत आसान है, पता ही होगा आपको ये कहाँ मिलता है, तो इकोनॉमिक सर्वे में मिलता है, इकोनॉमिक सर्वे वाले वीडियो में मैंने कवर भी किया था। तो आप लोग फटाफट कमेंट करके मुझे बताएंगे कि छत्तीसगढ़ में वर्तमान परिस्थिति में कितनी उचित मूल्य की दुकानें जो हैं वो संचालित हैं, उनमें से बताना कि कितने रूरल एरिया में है कितने अर्बन एरिया में है। मैं थोड़ा सा पानी पी लेता हूँ, आज खांसी जो बहुत ज़्यादा ही आ रही है। चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्या है, छत्तीसगढ़ में धान खरीदी का पिछला रिकॉर्ड टूटा। तो छत्तीसगढ़ में आपको पता होना चाहिए 1 दिसंबर 2021 से 31 जनवरी 2022 तक धान खरीदी होनी थी, बेमौसम बारिश हो गई जिसके कारण धान खरीदी जो है उसे 7 फरवरी तक आगे बढ़ा दिया गया था, ठीक है। तो खरीफ 2021-22 का जो सीजन था उसमें आपको ध्यान रखना है छत्तीसगढ़ में 97.97 लाख मीट्रिक टन इतने धान की खरीदी हुई है समर्थन मूल्य पे,
समर्थन मूल्य क्या होता है। तो यह ऐसा न्यूनतम मूल्य है जिसे सरकार घोषित करती है और किसानों को बताती है कि अगर आपसे इस मूल्य पर कोई नहीं ले रहा है तो सरकार तैयार है, सरकार खरीद लेगी। लेकिन क्या सरकार पूरा खरीदती है? तो ऐसा नहीं। समर्थन मूल्य एक गारंटीड प्राइस है जो सरकार देती है कि हम उस पर खरीदेंगे, लेकिन सरकार पूरा नहीं खरीदती है। इसके लिए भी सरकार ने कैप बांध के रखा है कितना सरकार खरीदेगी। ठीक है, तो ये बहुत ही आसान शब्दों में मैंने बता दिया कि समर्थन मूल्य क्या होता है। वैसे तो इसका डेफिनेशन बहुत ही टेक्निकल होता है। अब धान का इस बार का समर्थन मूल्य क्या था? तो सामान्य ग्रेड का अगर ध्यान है तो 1940 और 1960 था, अगर धान है ए ग्रेड का। तो सामान्य ग्रेड का 1940 और ए ग्रेड का कैसा था? 1960। ठीक है, अच्छा, धान खरीदी केंद्रों को इस वर्ष बढ़ाकर 23/11 से 24/84। तो पहले 23/11 थे और बढ़ाकर 24/84 कर दिया गया था, जिससे कि क्या हुआ, किसानों को अपने धान बेचने में बहुत आसानी हुई। तो हम बात कर रहे हैं 2021-22 खरीफ सीजन की। इस सीजन में 24.06 लाख किसानों ने पंजीयन कराया था। क्लियर है ये? और सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्ट जिससे सीधा एमसीक्यू बनता है, पूछता है रैंकिंग, तो याद रखना, इस पर फर्स्ट कौन सा जिला था? तो राजनांदगांव। लास्ट क्या था? तो दंतेवाड़ा। तो फर्स्ट राजनांदगांव, लास्ट मतलब अभी तो 28 जिलों की बात हो रही है क्योंकि 28 के अनुसार ही खरीदी हुई है। तो 28वां कौन सा था? तो दंतेवाड़ा। क्लियर है ये? तो ऐसा क्वेश्चन आपने देखा है, सीधा सीधा प्री में आया था, तो आपसे पूछ सकता है। क्लियर? तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्ट है इस स्लाइड में। हालांकि आपको इम्पॉर्टेंट चीज़ों में डेट भी याद रखना है कब से कब तक चला, तो ये एक फैक्ट इम्पॉर्टेंट है जो कि सीधा आपको एमसीक्यू में पूछ सकता है। ठीक है, कितनी खरीदी हुई इम्पॉर्टेंट है, इसके अलावा संख्या भी इम्पॉर्टेंट है। किसान, ये भी इम्पॉर्टेंट ही है यार, जो इम्पॉर्टेंट है वही बता रहा हूँ आप लोग को, लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्या है वो रैंकिंग है, ध्यान रखना, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है रैंकिंग। चलिए आगे आगे, हाँ चलो, तो देश के पहले आइडिया लैब का उद्घाटन, ठीक है भाई। तो स्कूल शिक्षा मंत्री हैं डॉक्टर प्रेम साय सिंह टेकाम, इन्होंने क्या किया है, तो श्री शंकराचार्य इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी, जो कहाँ पर है, रायपुर में, यहाँ पर देश के पहले आइडिया लैब का उद्घाटन किया है। तो AICTE ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन जो है, उसने पूरे देश में 49 कॉलेजों का चयन किया था, जिसमें से एक है क्या, शंकराचार्य कॉलेज रायपुर का। ठीक है, अब आइडिया लैब के माध्यम से क्या हो सकेगा, तो बेसिकली जो छात्र हैं उनको विज्ञान, प्रौद्योगिकी मतलब टेक्नोलॉजी, साथ में इंजीनियरिंग और गणित, इसके जो बेसिक कंसेप्ट्स हैं उनको समझना, और कैसे समझना, तो प्रैक्टिकल तरीके से व्यवहारिक अनुभव प्राप्त करके समझने में क्या होगा, ये जो आइडिया लैब है वह मदद करेगा। तो 30 वर्ड्स में पेपर नंबर 5 जो है उसके भाग एक छत्तीसगढ़ के इकोनॉमी अर्थव्यवस्था में पूछा जा सकता है। इसके अलावा शिक्षा से संबंधित अगर कोई ऐसे आता है तो भी इसको आप यूज़ कर सकते हैं। साथ ही क्या होगा, छत्तीसगढ़ में रिसर्च और इनोवेशन जो है इसकी बेहतरीन सुविधाएं इस आइडिया लैब के माध्यम से प्राप्त हो सकेंगी। अच्छा, साथ ही कोई ऐसा युवा है जो कि क्या कर रहा है, कोई नया उद्यम, कोई नया एंटरप्राइज चालू कर रहा है, ठीक है, उसके पास कोई तकनीकी आइडिया है तो वो पेटेंट करवा सकता है, और साथ ही अपने डिज़ाइन को देकर वो प्रोडक्ट को यहाँ पर विकसित भी कर सकता है, जिसके कारण यहाँ पर क्या होगा, तो हमारे राज्य में सेल्फ एम्प्लॉयमेंट या स्वरोजगार को भी क्या होगा, बढ़ावा मिलेगा। क्लियर है? तो 30 वर्ड में पेपर 5 में जो भाग एक है छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था, उसमें आइडिया लैब जो है उससे संबंधित प्रश्न को आप सीधा देख सकते हैं। चलिए अब अगला क्या है, तो शासकीय विभाग को अब 10% छूट मिलेगी छत्तीसगढ़ हर्बल्स के उत्पादों में। तो ध्यान रखना, हमारे जो मुख्य सचिव कौन है जी, अमिताभ जैन,
मुख्य सचिव है छत्तीसगढ़ के, ठीक है। तो उन्होंने क्या आदेश किया है कि समस्त शासकीय संस्थान, क्लियर है ये, अगर ये कोई ऐसी सामग्री खरीदते हैं जो कि संजीवनी केंद्र पर मिलती है तो उसको MRP पर 10% की छूट मिले। क्लियर, ये न्यूज़ उतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है प्री पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन इम्पॉर्टेंट क्या है तो सेकेंड पॉइंट में देखिए। तो छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज सहकारी संघ, छत्तीसगढ़ स्टेट, यहाँ लिख दूँ क्या, छत्तीसगढ़ स्टेट माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस फेडरेशन, प्रोड्यूस कोऑपरेटिव फेडरेशन, कोऑपरेटिव फेडरेशन अभी 61 लघु वनोपजों को खरीदता है। तो ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि अभी कितने लघु वनोपजों को खरीदता है। तो इसका गठन कब हुआ है, तो ध्यान रखना वर्ष 2000 में। तो बेसिकली हमारे यहाँ पर जो वनोपज है ना, दो प्रकार के हैं, एक तो क्या है मुख्य और दूसरे क्या होते हैं लघु। मुख्य को आप मेजर कह सकते हो, इसको माइनर। मुख्य क्या, तो आसान शब्दों में कहूँ तो मुख्य क्या मतलब है, इमारती लकड़ी, साल, सागौन, साजा, बीजा, खैर, शीशम। लघु या माइनर क्या, तो पादपी आधार की या प्लांट ओरिजिन की, जड़ें, इसके अलावा फूल, पत्ते, शहर आदि, ये सारा क्या आ जाता है, तो ये लघु वनोपज में या माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस में आ जाता है। क्लियर, तो 61 की खरीदी हो रही है, आपको ध्यान में ये रखना है। साथ ही में इसका गठन कब हुआ है तो बता दी हूँ, वर्ष 2000। तो हमारे यहाँ पर राज्य में जो लघु वनोपज है ना, उनको बढ़ावा देने के लिए बेसिकली ये सहकारी संघ, ठीक। चलिए आगे, ओरो स्कॉलर और प्रोजेक्ट इंक्लूजन, ये कार्यक्रम शुरू हुए हैं। तो 11 फरवरी के दिन स्कूल शिक्षा मंत्री डॉक्टर प्रेम साय सिंह टेकाम, इन्होंने क्या किया है, हमारे स्टेट में फर्स्ट से लेकर 12th तक जो स्कूली छात्र हैं उनके लिए दो योजनाओं का शुभारंभ किया है। एक तो क्या है, प्रोजेक्ट इंक्लूजन, और दूसरा क्या है, ओरो स्कॉलर। तो ओरो स्कॉलर क्या प्रोग्राम है, तो ध्यान रखना पहली से 12वीं तक जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं वो क्या कर सकते हैं, तो ओरो स्कॉलर नाम का एक ऐप आएगा, उसमें अपना रजिस्ट्रेशन या पंजीयन करा सकते हैं। साथ ही में क्या होगा, इसमें ना 20 क्विज रहेंगे, ठीक, ये इनमें हिस्सा ले सकते हैं। हर क्विज में अगर ये 80% से ज़्यादा नंबर लाएं तो इनको क्या मिलेगा, ₹50, और सभी 20 में अगर ये 80% से अधिक ले आएं तो एक माह में ये ₹1,000 मिल जाएंगे इनको। अब इससे क्या होगा, तो जो छात्र हैं ये अपना खर्च खुद वहन कर सकेंगे और अपने परिवार की भी मदद कर सकेंगे, आर्थिक रूप से सहायता कर सकेंगे। तो ये ओरो स्कॉलर हो गया। अब प्रोजेक्ट इंक्लूजन क्या है, तो इसके अंतर्गत क्या किया जा रहा है, तो अरबिंदो जो सोसाइटी है उसके द्वारा शिक्षकों को शारीरिक और मानसिक रूप से ऐसे बच्चे जो कि कैसे हैं, किसी ना किसी रूप से क्या है, थोड़े से कमज़ोर हैं, उनकी पहचान करना और साथ में उनका जो कमज़ोर पक्ष है उसमें कैसे सुधार लाना, इसकी जानकारी और प्रशिक्षण जो है दिया जा रहा है। इससे क्या होगा, तो ये जो बच्चे हैं जो स्पेशल नीड्स वाले हैं, जो कि शारीरिक और मानसिक रूप से थोड़े से कमज़ोर है, कह सकता हूँ कमज़ोर तो सही शब्द नहीं है, ठीक है, लेकिन फिर भी, तो उनको क्या किया जाएगा, तो एक सामान्य छात्र के समतुल्य जो है वो बनाना है इस कार्यक्रम का मोटो। कैसे बनाना है, तो टीचर्स को प्रशिक्षण दिया जाएगा ताकि ऐसे बच्चों के जो कमज़ोर पक्ष हैं उन पक्षों को क्या किया जाए, तो विकसित किया जाए, उनमें सुधार लाया जाए। क्लियर, तो ये है क्या, तो प्रोजेक्ट इंक्लूजन, ओरो स्कॉलर, ये 30 words में इंपॉर्टेंट है, प्रोजेक्ट इंक्लूजन 30 words में इंपॉर्टेंट है, पेपर नंबर 5 में, ठीक है। इसके अलावा शिक्षा से संबंधित कोई ऐसे आता है तो इसमें आप आसानी से इसको यूज़ कर सकेंगे, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या, तो छत्तीसगढ़ में नौनिहालों के लिए बनाई जाएगी क्या, बालवाड़ी। बालवाड़ी मतलब एक तरीके से मान लो सीधा सीधा प्ले स्कूल। तो 5 से 6 वर्ष के जो लगभग बच्चे हैं उनको बालवाड़ी के माध्यम से क्या किया जाएगा, तो खेल खेल से शिक्षा दी जाएगी, ठीक है। तो प्ले स्कूल या जो बालवाड़ी है उसकी स्थापना कहाँ पर की जाएगी,
तो जहाँ पर आंगनवाड़ी और प्राथमिक शाला एक ही प्रांगण में या एक ही प्रेमिसेस में है वहाँ पर। तो प्रथम चरण में ऐसे 6000 से अधिक बालवाड़ी जो हैं वो स्टार्ट की जाएंगी और छत्तीसगढ़ में यही 5 से 6 वर्ष की आयु के बच्चे लगभग कितने हैं, तो 1,15,000 हैं। क्लियर। तो शिक्षा से संबंधित या एजुकेशन से संबंधित कोई ऐसे आए तो आप इस पॉइंट को यूज कर सकेंगे। ठीक, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। अब नेक्स्ट क्या है, तो रायपुर और दिल्ली में खुलेगा बस्तर कैफे। तो सबसे पहले बता दूं वर्तमान में कहां पर है, तो जगदलपुर में। ठीक है, तो 14 फरवरी 2022 को क्या हुआ, छत्तीसगढ़ के जो कृषि मंत्री हैं, कौन है आपको, रविन्द्र चौबे जी, इनकी अध्यक्षता में क्या हुआ, छत्तीसगढ़ टी कॉफी बोर्ड जो है इसकी बैठक हुई। तो बेसिकली बस्तर में जो कॉफी का उत्पादन होता है उसके विक्रय के लिए और सह मार्केटिंग मतलब सेल का मार्केटिंग के लिए रायपुर और नई दिल्ली में बस्तर कैफे जो है उसको आरंभ किए जाना ऐसा कहा जा रहा है कि किया जाएगा या उसकी पहल है कह सकता हूँ। ठीक है, ऑलरेडी आपको बता दिया हूँ कि जगदलपुर में ये चल रहा है। ठीक, तो सबसे पहले तो एक एमसीक्यू बन सकता है कि बस्तर कैफे अभी कहाँ है, पहला क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या बन सकता है कि कहाँ पर ये प्रस्तावित है। क्लियर। अच्छा, 30 वर्ड्स में सीधा पूछ सकता है भाई बस्तर कैफे क्या है करके, ये भी क्वेश्चन आ सकता है चाहे तो। इसके अलावा मैं आपको बताऊं इसको आप ऐसे में यूज कर सकते हो, अगर कृषि से संबंधित कोई ऐसे आ गया तो ये कंटेंट जो है आपके लिए यूजफुल साबित हो सकता है। चलिए, तो राज्य में चलेगा क्या, टैबलेट से पहले टॉयलेट अभियान। ठीक है, तो हमारे राज्य छत्तीसगढ़ का जो स्कूल शिक्षा विभाग है उसकी जो समग्र शिक्षा कार्यकारिणी समिति है, ठीक, तो एक समिति का नाम क्या है, हमारे स्कूल शिक्षा विभाग की समग्र शिक्षा कार्यकारिणी समिति। दूसरा आपको पता होगा प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना जिसको और क्या कहा जाता है, तो मध्यान्ह भोजन या मिड डे मील स्कीम। तो ये जो मिड डे मील स्कीम है इसके क्रियान्वयन के लिए क्या है, तो राज्य स्तरीय एक मॉनिटरी सह संचालन समिति, मॉनिटरिंग और स्टीयरिंग कमेटी है स्टेट लेवल की, तो इसकी बैठक हुई इन दोनों समितियों की जिसकी अध्यक्षता किसने की थी, मुख्य सचिव कौन है, तो बता ही चुका हूँ, अमिताभ जैन जी, इन्होंने क्या किया था अध्यक्षता। अब इस बैठक में क्या निर्णय लिया गया है तो मैं आपको बता दूँ कि सभी जो नगरीय क्षेत्र हैं उनके हर एक वार्ड में और प्रत्येक ग्राम पंचायत में क्या किया जाएगा, तो हर स्कूल में एक आदर्श शौचालय का निर्माण किया जाएगा। कैसे किया जाएगा, तो कम से कम मूल्य में कोशिश की जाएगी कि उसका निर्माण कराया जा सके, जहां पर रनिंग वाटर, ड्रेनेज, ये समुचित व्यवस्था इसकी होगी। साथ ही में क्या किया जाएगा, इसकी नियमित साफ सफाई और रख रखाव के लिए भी विशेष प्रबंध किए जाएंगे। तो ये रहेगा टैबलेट से पहले टॉयलेट अभियान। ठीक है, तो ये आपको 30 वर्ड्स में, आपको इसको पेपर नंबर 5 के लिए रेडी कर लेना है। स्वास्थ्य या बाल विकास से संबंधित अगर कोई ऐसे आता है तो उसमें भी आप इस कंटेंट को यूज कर पाएंगे। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्या है, तो छत्तीसगढ़ के प्रत्येक जिले में आत्मानंद हिंदी मीडियम स्कूल खुलेगा। तो आपको पता होगा आधिकारिक रूप से 1 नवंबर 2020 से स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल्स जो हैं वो बेसिकली चालू हुए हैं। ठीक है, अच्छा, छत्तीसगढ़ सरकार ने स्वामी आत्मानंद सरकारी अंग्रेजी माध्यम स्कूल खोले जो कि क्या हुए, बहुत लोकप्रिय, मैंने आपको बताया 1 नवंबर 2020 से आधिकारिक रूप से ये चालू हो गया था। ठीक है, अब क्या किया जा रहा है, तो कम से कम हर एक जिले में, देखो अभी जिले कितने हैं, तो 28 और 4 नए बनने वाले हैं, प्रारंभिक नोटिफिकेशन आ चुका है लेकिन बन ही जाएंगे, मतलब आने वाले समय में जब 32 जिले हो जाएंगे तो हर जिले में कम से कम एक हिंदी मीडियम का आत्मानंद स्कूल जो है वो खुलने वाला है। वर्तमान में लगभग आप देखोगे ना तो 74,000 छात्र जो हैं वो 171 अंग्रेजी माध्यम के जो आत्मानंद स्कूल खुले हैं उनमें पढ़ाई
कर रहे हैं। अच्छा, अब ये जो स्कूल है ना, बेसिकली एम किसके लिए किए गए हैं, तो ऐसे गरीब परिवार जो कि अपने जो स्टूडेंट्स हैं उनको अच्छे स्कूल्स में नहीं पढ़ा सकते, उनको बेसिकली गवर्नमेंट एम में रख के ये योजना जो है वो चला रही है। और इस योजना के अंतर्गत क्या हो रहा है, तो जो दाखिल छात्र हैं उनकी फ़ीस, उनके किताब, यूनिफॉर्म, इन सब का पूरा खर्च जो है वो कौन लेती है, तो सरकार वहन करती है। क्लियर? तो आपको ध्यान रखना है कि 171 इंग्लिश मीडियम स्कूल जो हैं आत्मन स्कूल्स वो भी चल रहे हैं, 32 हिंदी के खुलेंगे, सभी जो ज़िले हो जाएंगे 32 उनमें से एक हो जाएंगे, बोल रहा हूँ है नहीं, अभी तो 28 हैं, चार बनने ही वाले हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्या है, तो तीन नदियों के संगम पर शुरू हुआ राजिम माघी पुन्नी मेला। तो राजिम का ये जो माघी पुन्नी मेला है ये माघी पुन्नी से लेकर महाशिवरात्रि तक चलता है। क्लियर है? तो 16 फरवरी को शुभारंभ किया है, किन्होंने किया है, तो डॉक्टर चरणदास महंत। कौन है भाई? तो छत्तीसगढ़ विधानसभा के स्पीकर हैं, ठीक है, अध्यक्ष हैं, ठीक। इन्होंने राजिम माघी पुन्नी मेला का शुभारंभ किया है। अब राजिम जो है, आपको पता है कि यहाँ पर तीन नदियों का संगम है। चलिए तो बता देता हूँ, सबसे पहले ये जो हमारा धमतरी ज़िला है यहाँ से एक नदी निकलती है, आती है कहाँ, पहले कांकेर, फिर बालोद, और उसके बाद ये बॉर्डर पकड़ती है, इस प्रकार चलती है। कौन सी नदी है? महानदी, ठीक। उसके बाद ये जो पैरी है, पैरी नदी कहाँ से निकलती है, तो गरियाबंद, भाटीगढ़, ये पैरी नदी है। उसके बाद एक नदी है, नाम है क्या, सोंढूर। ये जो सोंढूर नदी है उड़ीसा के नवरंगपुर से, ये पैरी की सहायक है। और इन नदियों का संगम जो है कहाँ पर है, तो राजिम जो है यहाँ पर क्या है, तो त्रिवेणी संगम है। राजिम में बड़ा ही लगा दिया हूँ मैं, राजिम में छोटा ही आएगा, ठीक है। तो त्रिवेणी संगम तीन नदियों का, इसीलिए राजिम को क्या कहते हैं, छत्तीसगढ़ का प्रयाग भी कहते हैं। अब राजिम अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, भौगोलिक दृष्टिकोण से तो देख ही लिए हम लोग, ऐतिहासिक दृष्टिकोण से देखें तो यहाँ पर एक बहुत इम्पोर्टेंट मंदिर है, नाम क्या है, तो है राजीव लोचन मंदिर। अब ये जो राजीव लोचन मंदिर है, बेसिकली मैं आपको बता दूँ इसका निर्माण किसने कराया था, तो नल वंशी शासक, नाम क्या, विलास, तो विलास तुमने कराया था इस मंदिर का निर्माण। कालांतर में आप देखोगे कलचुरी शासक हुए, नाम था क्या, पृथ्वीदेव द्वितीय, इनके सामंत थे, नाम था क्या, जगतपाल। तो ये जो जगतपाल थे इन्होंने क्या कराया था, इस मंदिर का जीर्णोद्धार। अब जगतपाल ने इसके साथ एक मंदिर बनाया था, नाम था क्या, राम चंद्र मंदिर, यह भी राजिम में। और इसी रामचंद्र मंदिर में पंडित सुंदरलाल शर्मा जी ने कराया था छत्तीसगढ़ में मंदिर प्रवेश हरिजनों का, कब, तो 1925 में, 23 नवंबर, डेट था 23 नवंबर 1925 में। इसके अलावा आपको पता है 1906 में यहाँ पर क्या, सह मित्र मंडल की स्थापना की थी, किसने, तो पंडित सुंदरलाल शर्मा ने। क्लियर? तो राजिम के बारे में बहुत महत्वपूर्ण इतनी चीज़ें हैं, वैसे तो और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, इतने को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। समापन कब होगा, तो 1 मार्च को होगा, महाशिवरात्रि के दिन, ठीक। अच्छा, एक और फैक्ट आपको पता होना चाहिए, प्रैक्टिकली राजिम में तो नहीं है लेकिन नदी के बीच में आता क्या है, तो धमतरी जिला के नवागांव, यहाँ पर क्या है, तो कुलेश्वर महादेव मंदिर। तो कहते ऐसे कि माँ जानकी, मतलब माता सीता और श्री राम जी, जब ये लोग अपने वनवास में थे तब इन्होंने नदी के बीच में बालू के ऊपर एक शिवलिंग जो है उसकी स्थापना की थी और पूजा किया था, उस समय उसे चित्रोत्पलेश्वर महादेव कहा था, कालांतर में बन गया क्या, कुलेश्वर महादेव। तो कुलेश्वर महादेव प्रैक्टिकली गरियाबंद जिले के राजिम में नहीं आता है, नवागांव में आता है जो कि है धमतरी जिले में, लेकिन आप देखेंगे राजिम से तो सामने दिखता है, इसलिए लोग समझते हैं कि कहाँ पर है ये, तो राजिम में, ठीक है। तो राजिम मेला के बारे में इतना चीज़ जान लो, बढ़िया है यार। अब आगे आ जाते हैं, मुख्यमंत्री नूनी सशक्तिकरण सहायता योजना। तो हमारे यहाँ पर छत्तीसगढ़
भवन एवं अन्य सनिर्माण कर्माकर कल्याण मंडल मतलब छत्तीसगढ़ बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर वेलफेयर बोर्ड है। इसके अंतर्गत जितने पंजीकृत हितग्राही हैं जिनकी दो अविवाहित पुत्रियां हैं, न्यूनतम 10वीं पढ़ी हों, कम से कम 18 वर्ष की हों और अधिक से अधिक 18 वर्ष 6 महीने की, क्लियर है, और साथ ही उनके नाम से एक जीवित बैंक खाता हो, तो उनको सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने के लिए 20,000 रुपये की सहायता राशि मिलेगी, क्लियर है। तो छत्तीसगढ़ बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर वेलफेयर बोर्ड के अंतर्गत जो पंजीकृत हितग्राही हैं उनकी दो अविवाहित पुत्रियों को जो कम से कम 10वीं पढ़ी हों, न्यूनतम 18 वर्ष की हों, अधिक से अधिक 18 वर्ष 6 महीने की, जिनके नाम से क्या हो, एक वर्किंग या फंक्शनल बैंक अकाउंट हो, ठीक है, उनको 20,000 रुपये मिलेगा। क्यों मिलेगा? तो उनको सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने के, ठीक। चलिए, मेरे हिसाब से लगभग जो है लास्ट न्यूज़ है आज का। तो तालाब गहरीकरण के दौरान प्राप्त हुई योग नरसिंह की विरल प्राचीन मूर्ति। तो रायपुर जो डिस्ट्रिक्ट है उसमें जो आरंग विकास खंड आता है उसके अंतर्गत एक ग्राम है, नाम है क्या, कुम्हारी। यहाँ पर तालाब गहरीकरण का कार्य चल रहा था, वहाँ से क्या मिला है, तो भगवान नरसिंह जानते छो हिरण कश्यप को मारे थे, उनकी एक मूर्ति मिली है, लेकिन कैसी है, तो ये शांत मुद्रा में बैठी हुई। इनकी जनरली मूर्तियों को आप देखोगे ना तो हिरण कश्यप कैसा पेट पेट फाड़ते हुए रहता है ना, तो यहाँ पर जो मूर्ति है वो एकदम शांत मुद्रा में बैठी हुई है, ठीक है। साथ में क्या मिले हैं यहाँ पर, तो गुप्तकालीन मृदभांड मिले हैं, ठीक, तो ध्यान रखना आपको गुप्तकालीन मृदभांड भी मिले हैं और ये मूर्ति मिली है कहाँ से, तो ग्राम कुमारी आरंग के अंतर्गत, ठीक है भाई। तो थोड़ा सा इसको भी देख ही लेते हैं, तो ये क्या है, ये हमारा रायपुर डिस्ट्रिक्ट है, अपन देखे ही थे, ये इस प्रकार से महानदी चल रही थी, यहाँ पर आरंग है, तो लगभग आप कह सकते हो कि आरंग कौन सी नदी के तट पर है, तो महानदी के तट पर लगभग माना जा सकता है, एकदम तट पर नहीं है, थोड़ा सा दूर ही है, ठीक। चलिए, अब आरंग जो है ना ये अपने आप में बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो आरंग को सबसे पहले मंदिरों की नगरी कहा जाता है, साथ में प्राचीन काल में इसका नाम क्या था, तो भांडेर, इसे मोर ध्वज एक राजा थे उसकी नगरी भी कहा जाता है। यहाँ पर एक फेमस मंदिर है, नाम है क्या, तो भांड देउल मंदिर, जहाँ पर ये जैनियों का मंदिर है, जहाँ पर अजीतनाथ श्रेयांश नाथ, बहुत ज़्यादा मोटा चल रहा है क्या पेन, और नेमीनाथ की प्रतिमाएं हैं, ठीक है। तो भांडेउल मंदिर मोरध्वज की नगरी कहते हैं, भांडेर कहते थे इसको, प्राचीन नाम मंदिरों की नगरी कहा जाता है। यहीं पर आप देखोगे ना तो आरंग से ही राजा भीमसेन द्वितीय, इनका ताम्रपत्र मिला है, जो कि राजर्षि तुल्यकुल से थे, राजर्षि तुल्यकुल को छत्तीसगढ़ का प्रथम क्षेत्रीय राजवंश कहा जाता है। इसके अलावा लोरिक चंदा, इसके बारे में आप अगर पढ़ेंगे तो आप देखते हैं कि चंदा कहाँ से थी, तो आरंग से, लोरिक कहाँ से, तो रीवा से, पता ही आपको। और आपको मैं बता दूं रीवा भी कहाँ है, तो यहीं रायपुर ज़िले में ही है, और रीवा क्या है, तो यह भी एक नवीन पुरातात्विक स्थल है। तो इतनी सारी चीज़ें आरंग और रीवा के बारे में अगर आपको पता है तो काफ़ी स्थिति आपकी अच्छी है, नहीं पता है तो आई होप आपको रिवीजन हो गया होगा, ठीक है। तो फाइनली इस सेशन को कंक्लूड करते हैं कुछ क्वेश्चंस के साथ। तो पहला क्वेश्चन है, निम्न दिए गए कथनों में से गलत कथन का चयन करना है, ए बी सी डी चार ऑप्शन हैं, आपको बताना है कौन सा कथन गलत है कौन सा नहीं है। अगला, छत्तीसगढ़ में खरीफ वर्ष 2021-22 में सर्वाधिक और न्यूनतम धान खरीदी किन जिलों में हुई है, ऑप्शंस दिए हैं आपके सामने, ज़रूर मुझे करें कमेंट करके आप बताएंगे। उसके बाद क्या है, देश के पहले आइडिया लैब का उद्घाटन कहाँ हुआ है, फिर से ऑप्शंस आपके सामने दिए हुए हैं, बताइए आप मुझे। और फाइनली एक क्वेश्चन है,
प्रोजेक्ट इंक्लूजन का संबंध, फिर से चार ऑप्शन दिए हैं, आपको बताना है किसे संबंधित है किसे संबंधित नहीं है। तो आई होप आपको आज का ये जो सेशन है काफ़ी यूजफुल लगा होगा। मैं आपसे मुलाकात करूंगा मेरे अगले सेशन में। अब मेरा अगला सेशन कब आएगा तो ध्यान रखना, हर एक मंडे को मतलब सोमवार को शाम को 7 बजे मेरे सेशन आने वाले हैं। तो इस मंडे को आ गया, अब हर मंडे को 7 बजे, क्लियर है। धीरे से फरवरी का कंप्लीट करके इसको हम साप्ताहिक मोड पर आएंगे, तो हर मंडे को डिस्कस करेंगे पिछले वीक का, मतलब साप्ताहिक रूप से आपका ये जो करंट अफेयर्स है इसको कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से अपन पढ़ के तैयार कर लेंगे। चलिए ठीक है, तो इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं और आप सभी से मुलाकात होगी मेरे आने वाले वीडियोज़ में। तब तक के लिए थैंक यू एंड टेक केयर।